पाकिस्तानी तालिबे इल्म ने फ्री यूनिवर्सिटी एम्स्टर्डम से कंप्यूटर साइंस में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करके नौजवानों के लिए एक मिसाल कायम की है। उन्होंने अपनी रिसर्च में इस मौजू पर तवज्जो दी कि इंसान डिजिटल डिवाइस में मौजूद एप्स के जरिए किस तरह एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकता है। इस बारे में एम्स्टर्डम से मोहम्मद मंसूर आलम की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अल्ताफ हुसैन अब्रो मौजूद हैं, जिन्होंने एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। मेरी रिसर्च के दो पहलू हैं, एक इंसानी इमोशंस को कंट्रोल करना और दूसरा लोगों के मुजरे सेहत खाना खाने के बारे में है। वो लोग जो मोटापे और डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उनके लिए इंटेलिजेंस सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जिस पर हम काम कर रहे हैं। उसके लिए हमने कुछ मॉडल्स डिजाइन किए हैं जो कि इमोशंस को कंट्रोल करने और फूड डिजायर को कंट्रोल करने के लिए काम आएंगे, और जिसकी बेसिस पे इंटेलिजेंट सपोर्ट सिस्टम्स बनाए जा सकते हैं जो कि नियर फ्यूचर में अवेलेबल होंगे। इस मौके पर प्रोफेसर यान तरूर और डॉक्टर कैसर रजा ने अपने ख्यालात का इजहार किया। Appreciated very much by also other disciplines, not only in the artificial intelligence but also in psychology. People, they were very happy with this new work. अपनी रिसर्च के थ्रू मोबाइल पर डिफरेंट एप्स बना सकते हैं, जिन एप्स के थ्रू वो लोगों को हेल्दी होने में, सेहतमंद होने में मदद फराहम कर सकते हैं, जिसमें लोग मुख्तलिफ डिजिटल डिवाइसेस जैसे घड़ियां अपने रिस्ट पर पहनकर अपनी वेट लॉस का तयन कर सकते हैं, वजन कम करने का तयन कर सकते हैं। और वजन कम करना बहुत जरूरी है हेल्दी होने के लिए, क्योंकि वजन कम करने से आप में दिल की बीमारियां और डायबिटीज ये भी कम होते हैं। डॉक्टर अल्ताफ हुसैन अब्रो ने इस बात का फैसला किया है कि वो वापस पाकिस्तान जाकर जामशोरो यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे और अपनी रिसर्च पर मजीद काम करेंगे। मोहम्मद मंसूर आलम, दुनिया न्यूज, एम्स्टर्डम, हॉलैंड।